धर्म भी अजीब है और शासन व्यवस्था कमजोर पड़ जाए तो कभी कभी इसका पालन करना भी अजीब तरीकों से होने लगता है। कहा जा सकता है कि कम से कम शिक्षा, खासकर बच्चों की शिक्षा को तो धार्मिक आडंबरों से दूर रखना ही चाहिए, लेकिन झारखंड में शिक्षा के अनेक मंदिरों में बच्चों को धर्म की अजीब घुट्टी पिलाई जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूले। गौरतलब है कि झारखंड से कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वहां एक स्कूल में नियमित प्रार्थना बंद करवा दी गई है और प्रार्थना के वक्त हाथ जोड़ने की भी मनाही है। अब खबर मिली है कि राज्य के 5 जिलों में ऐसे कम से कम 70 स्कूल है जहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करना प्रतिबंधित है। बच्चे हाथ जोड़ने के बजाय हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। यही नहीं, ये सब सामान्य सरकारी स्कूल है, लेकिन गाँव वालों ने इनकी दीवार पर उर्दू स्कूल लिख दिया है और ये सब इसी के हिसाब से चल रहे हैं या चलाए जा रहे हैं। कहते हैं बात जब फैली और ऊपर तक गई तो सख्ती हुई। स्कूल के नाम के आगे लिखा उर्दू शब्द हटा दिया गया। कुछ दिन तक ऐसा चला, फिर गांव वालों ने वापस स्कूल के नाम के आगे उर्दू जोड़ दिया। सरकारी अफसरों से गांव वालों ने साफ कह दिया है कि स्कूल तो हमारी मर्जी के अनुसार ही चलेगी, वरना बंद कर दो। आप बंद नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। इन स्कूलों में से कुछ मास्टर जो 5-5 साल से यहाँ कार्यरत हैं, उन्होंने पत्रकार से कहा कि जब से हम आए हैं तब से यहाँ ऐसा ही चल रहा है। कोई बच्चा प्रार्थना के दौरान हाथ नहीं जोड़ता। स्कूल की छुट्टी भी जुम्मे यानी शुक्रवार को करनी पड़ती है। हम लोग स्कूल आते हैं लेकिन कोई बच्चा इस दिन नहीं आता। अगर हर धर्म के लोग इस तरह से अपने धर्मों के अनुसार सरकारी स्कूलों पर हुकूमत करने लगे तो मौजूदा व्यवस्था का क्या होगा, आसानी से समझा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।